अगर आपके पास Redmi का कोई फ़ोन है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन की इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप कैसे बना सकते हैं, एसएमएस का, फ़ोन बुक का, नोट्स का, गैलरी का, सेटिंग का कैसे बैकअप बनाकर सेफ रख सकते हैं Xiaomi के क्लाउड में। आज इस वीडियो में हम इसी का पूरा प्रोसेस समझने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बैकअप बनाने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक MI अकाउंट ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा MI का अकाउंट लॉगिन है यहाँ पे। अगर आपके फ़ोन में आपका MI का अकाउंट लॉगिन नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। अगर अकाउंट अभी तक आपने MI क्लाउड का नहीं बनाया हुआ है तो आप वहाँ पर MI क्लाउड का भी अकाउंट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, जहाँ पर आपको 5 GB तक स्टोरेज कैपेसिटी मिलती है क्लाउड स्टोरेज की, जहाँ पर आप अपने फोन बुक, कॉन्टैक्ट, मैसेज, गैलरी, फोटो वगैरह का बैकअप बना के बहुत ही आसानी से रख सकते हैं। ठीक है, और ये बैकअप आपका तब काम आता है जब आपने एक MI के फ़ोन से दूसरे किसी MI के फ़ोन में स्विच किया, तो वहाँ पे आपको फ़ोन बुक, SMS, नोट्स, सेटिंग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी सेव करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जैसे ही अपना MI का अकाउंट लॉगिन करेंगे वो सारी की सारी बैकअप आपके न्यू वाले फ़ोन में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे MI अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे आप। अब यहाँ पे जैसे ही MI अकाउंट सेटिंग ओपन होगी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई रहा है Xiaomi क्लाउड, इसको आपको क्लिक करना है, ओपन करना है। ओपन करेंगे यहाँ पे Xiaomi क्लाउड को, स्क्रॉल डाउन कीजिए। आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, गैलरी, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कॉल हिस्ट्री, रिकॉर्डर, नोट्स, वाईफाई, कैलेंडर, फ्रीक्वेंट फ्रेज, यहाँ पे ये सारे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि आपको अपने मोबाइल की, अपने Redmi फ़ोन की जिस भी कैटेगरी की डेटा का बैकअप बनाना है उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। कैटेगरी से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉन्टैक्ट का बैकअप अपने Xiaomi क्लाउड के में बैकअप बनाना है, तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखिए मैंने पहले से ऑन करके रखा हुआ है सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट का, ये ऑप्शन आपको अभी अपने फ़ोन में कर देना है। मान लेते हैं आपके फ़ोन में ऐसे ही आपका सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट बंद किया हुआ है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज कॉन्टैक्ट को ऑन करूँगा तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है आप देखिए यहाँ पे ऑन हो गई, मतलब अभी हमारे फ़ोन बुक में जितनी भी सारी कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली Xiaomi क्लाउड के सर्वर पे जाके ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम अपनी Xiaomi क्लाउड को कहीं दूसरी किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली उस फ़ोन, न्यू फ़ोन में जाकर स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही आप SMS का बैकअप बना सकते हैं, गैलरी का बैकअप बना सकते हैं, कॉल हिस्ट्री, रिकॉर्डर, आप अपने फ़ोन की सभी इम्पॉर्टेंट डेटा का बैकअप Xiaomi क्लाउड के सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं बैकअप के तौर पे। बैकअप बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वो एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, कभी भी आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, करप्ट कर सकता है आपका OS। उसके बाद आप अगर बैकअप बनाकर नहीं रखते हैं तो आपकी फ़ोन बुक, कॉल हिस्ट्री, मैसेज, जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट डेटा है वो डिलीट हो जाएगी, इसलिए आपको बैकअप बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ, ये जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट का सिंक्रोनाइज किया, जो मतलब कॉन्टैक्ट का जो बैकअप बनाया, वो बैकअप जो है हमारे फ़ोन में जितनी भी कॉन्टैक्ट सेव है सिर्फ उसी का बैकअप हमारे Xiaomi क्लाउड पे स्टोर हुआ। यहाँ पे अगर हमने अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करके रखा हुआ था तो उस जीमेल अकाउंट का जितना भी सारा कॉन्टैक्ट है वो Xiaomi क्लाउड के सर्वर पे जाकर बैकअप में नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें जीमेल अकाउंट की कॉन्टैक्ट का बैकअप भी Xiaomi क्लाउड पे अगर स्टोर करना है तो वो कैसे करना है वो आप देखिए। आप अपने कॉन्टैक्ट के इस ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको ये 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग में चले जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंपोर्ट टू MI अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। और अभी आप देखिए मेरे यहाँ पे जीमेल का 2 अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट है इस मोबाइल में, जहाँ पे मेरी पहले वाले जीमेल अकाउंट में 250 कॉन्टैक्ट है और दूसरे वाले जीमेल अकाउंट में 96 कॉन्टैक्ट है। तो इन दोनों जीमेल की ड्राइव का बैकअप, जो हमारी कॉन्टैक्ट का बैकअप है, उसको भी हमें MI के क्लाउड स्टोरेज पर स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक करूँगा। इम्पोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। ये इंपोर्ट डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर कि कितने देर में इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट हो जाने के बाद आपके फ़ोन की जितनी भी सारी कॉन्टैक्ट है वो Xiaomi के क्लाउड स्टोरेज पे जाके स्टोर हो जाएगी और आप बहुत ही आसानी से वहाँ से अपने कॉन्टैक्ट वगैरह को डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा कि आपको अपने मोबाइल में बैकअप बनाकर रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको अपने मोबाइल की इम्पोर्टेंट डेटा का बैकअप बनाकर रखना चाहिए और आप वो कैसे बना सकते हैं, ये प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।